अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे रखा है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन। तो जब ये चीज बोल दिया इसका मतलब उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n जो है वो है माइनस वन बाई टू, तो ये आएगा पहले, माइनस पहले से था तो ये प्लस का वन बाई टू हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू और माइनस वन इन टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो वन का डिफरेंशियल जीरो माइनस टू एक्स, ये आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस का टू पहले आ जाएगा टू एक्स अपॉन टू, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, ये आ गया। और यहाँ पे टू से टू कैंसिल तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब यहाँ पे हमें एक्स के टर्म में सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, लेकिन हमें किसके टर्म में चाहिए, वाई के टर्म में। अब देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें y हो, तो वैसा वाला हमें टर्म चाहिए भी होगा, तो वो कौन कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। तो हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस y, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर थ्री बाई टू, यानी जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने कॉस वाई रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस वाई अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, माइनस कॉस वाई और नीचे क्या बचेगा, साइन साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉट वाई, और वन अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये अब हमारा किस टर्म में हो गया, वाई के टर्म में हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें इस तरह से दे रखा था तो हमने इस तरह से निकाल लिया, और अगर हमें इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस उठा के इधर लगा लो तो माइनस वन इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा, तो साइन वाई इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ समझ आया, इसको फर्स्ट माना इसको सेकेंड माना, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल ये आ गया, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो सेकेंड वाला टर्म ये हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस वाई, सॉरी साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई, फिर डी वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हमें देखो साइन वाई को ऐसे ही लिख लो, चूंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस कॉस वाई को ऐसे ही लिख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो मिलेगा वन अपॉन साइन वाई, और वन अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो माइनस का कॉसेक वाई, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग
कॉसेक स्क्वायर वाई, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ले जाएंगे इधर साइड में, कॉस वाई कॉसेक स्क्वायर वाई, और ये साइन वाई इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके जाएगा तो डिवाइड में साइन वाई, तो कॉस अपॉन साइन कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर वाई। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो दोनों तरीका है, कोई भी कर सकते हैं हम लोग।